प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज रविवार को अपने मन की बात कार्यक्रम में उत्तराखंड जिले के बागेश्वर निवासी जगदीश कुनियाल प्रयासों के सक्सेस स्टोरी का विशेष जिक्र किया। मोदी ने कुनियाल को हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उनके प्रयासों से विभिन्न गांवों में पानी की समस्या दूर हो गई है। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रयासों से खाली हो रहे गांवों में ग्रामीण दोबारा आकर बसने लगेंगे। यही नहीं, उनके प्रयासों से अन्य क्षेत्र के ग्रामीणों को भी प्रेरणा मिलेगी। आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर जगदीश कुनियाल ने ऐसा क्या कर दिया जो वह मोदी को भा गए। हम सभी जानते हैं कि आधुनिकता की अंधी दौड़ और भौतिक सुख साधनों को पाने की लालसा में लोग पर्यावरण की लगातार अनदेखी कर रहे हैं। कोई भी पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। ऐसे समय में जगदीश कुनियाल जैसे लोग पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पण भाव से काम कर रहे हैं। जगदीश कुनियाल का पिछले 40 साल से पौधारोपण कर पर्यावरण और जल संरक्षण के लिए वह काम कर रहे हैं। 57 वर्षीय कुनियाल ने 18 साल की उम्र में अपने गांव के बंजर जमीन पर पौधारोपण का कार्य शुरू किया था, जिसके बाद से यह सिलसिला अनवरत चलता रहा। पिछले 40 सालों में वह विभिन्न प्रजातियों के 25,000 से अधिक पौधे रोपकर उनका संरक्षण कर रहे हैं। किशोरावस्था से शुरू हुआ उनका प्रकृति प्रेम अब भी जारी है। पर्यावरण संरक्षण के अलावा पौधों को उन्होंने अपनी आय का साधन भी बनाया है। उन्होंने अपनी 800 नाली जमीन पर चाय का बागान तैयार किया है, जिसके जरिए उनकी आजीविका चलती है। वहीं बाकी बची हुई जमीन पर वह साग सब्जी सहित अन्य जड़ी बूटी वाले पौधे उगा रखे हैं। सामाजिक कार्यकर्ता और क्षेत्र के पर्यावरण प्रेमी बसंत बल्लभ जोशी ने बताया कि कुनियाल का प्रकृति प्रेम अनूठा है। वह बिना किसी शोर शराबे के पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं। दिखावों से दूर रहकर उन्होंने प्रकृति की रक्षा के लिए सराहनीय कार्य किया है। पब्लिक न्यूज डेस्क, देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए पब्लिक न्यूज के साथ।